हनी ट्रैप मामले में श्योपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें श्योपुर के कई बड़े लोगों का नाम शामिल है। हालांकि एसपी ने शिकार हुए लोगों का नाम उजागर नहीं किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। श्योपुर जिले के एसपी नागेंद्र सिंह ने एक बड़े मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर किया है। इसमें कुछ बड़े लोगों का नाम उजागर हो सकता है, हालांकि एसपी ने उनके नाम उजागर नहीं किए हैं। एसपी नागेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह आरोपी श्योपुर के लोगों को गुपचुप तरीके से राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित इंदरगढ़ नामक गांव में ले जाकर लोगों का वीडियो बनवाया करता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करते थे। इस घटना की सूचना हमें तब लगी जब एक फरियादी हमारे पास पहुँचा और हमने जाल बिछाकर इस गिरोह को पकड़ने का काम किया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए ये पूरा प्रकरण इसकी कामयाबी इस मुद्दे पे निर्भर करती है कि कितने लोग आगे आके शिकायत करना है, रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट अगर पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद निश्चित तौर पे उस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, परंतु फिलहाल हमारा पहला लक्ष्य ये है कि इसमें चिन्हित करना है कि कितने लोगों को इनके द्वारा शिकार बनाया गया है। और यदि आपके माध्यम से भी मैं अपील करूंगा, वो लोग अगर बिना घबराए, उनकी गोपनीयता हम लोग बरकरार रखेंगे, यदि सामने आना चाहते हैं और पुलिस की मदद करना चाहते हैं। कुछ लोगों की सूची तो हमारे पास है, परंतु इसके बावजूद जो लोग अपनी स्वेच्छा से आगे आना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं और आवश्यक रूप से आप लोगों के सामने उम्मीद है, हमें उम्मीद ये नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि लोग आएंगे और इसका अच्छा एक खुलासा आप लोगों के सामने देखने को। कुल मिलाकर श्योपुर पुलिस की यह कार्रवाई पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, लेकिन इस तरह की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोग इनका शिकार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, श्योपुर।